संगीत कार्ड में मुझको, उसने फिर गीत कार्ड में मुझको लफ्ज एक बेध्यान लिखा है। फिर मेरी ईद करके किरकिरी कर दी, फिर मुझे भाई जान लिखा है। ये तो मजाया शेर था, आप थोड़े फसीलियत शेर ईद के बारे में। एक तो शेर बड़ा मशहूर है, वो जावेद साहब पढ़ गए। तो हम जो लोग परदेश में रहते हैं, हमें ईद वाले दिन हमारे जो अदीदोकार जो हमसे दूर रहते हैं, पाकिस्तान में हैं या इधर उधर रह रहे हैं, वो याद आते रहते हैं। तो हमारी ईद जो है ना, उनकी याद नहीं रहती रहती। तो उस लिहाज से ये मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। मुझे तेरी ना तुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब के लिए दबे पाँव गुजर जाएगी। ईद का दिन जब भी आएगा, मेरी आंखों में अश्क लाएगा। सब लोग देखते हैं खड़े चांद ईद का, मुश्ताक हूँ मैं रश्के कमर तेरी ईद का। परदेश में ईद आई तो क्या होगा दिल शाद, रह रह के हर काम पे आता है बदल गया। ये आपके बार कैसी ईद गुजरी है, ना मुबारकें मिली हैं ना गले मिला है कोई। अलारे ईद की जाना मेरी बला देखे, कि मेरी चश्मे तसव्वुर में बस रहे हो तो। तो वो मैंने कहा और उसने कहा कि मैंने अभी एक मजाया नज़्म आपको सुनाई थी। तो अब ये एक और मैंने कहा, उसने कहा कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो चंदे का इशारा हो। मैंने कहा शहर के हक में दुआ करो, उसने कहा बात गलत मत किया करो। मैंने कहा कार्ड के तूने छीन ली, उसने कहा अच्छा है पैदल चला करो। मैंने कहा काम है ना कोई कारोबार, उसने कहा शायरी पे इक्तफा किया करो। मैंने कहा 100 की गिनती भी नहीं यार, उसने कहा रात को तारे गिना करो। मैंने कहा मुझे कुर्सी की है आरज़ू, उसने कहा आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। मैंने कहा गदर पढ़ी जाती नहीं सही, उसने कहा पहले रिहर्सल किया करो। हर बात पे जो कहता रहा मैं बजा बजा, उसने कहा यूं ही मुसलसल बजा करो। ये ईद के मौके पर थोड़ा सा चेंज ऑफ द टेस्ट। तो अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मलक साहब से, फिर वो अपना सूफियाना कलाम पेश करें। सारे मेंबरान की फरमाइश है।